अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेके आए हैं ऑरेंज चिकन, चाइनीज़ रेसिपी लेके आए हैं। ये चाइनीज़ स्टार्टर है, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाने में भी इजी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन जाता है। देख सकते हैं चिकन कितना जूसी लग रहा है ना, ये देख सकते हैं अंदर से सॉफ्ट है। चलो देखते हैं हम रेसिपी की तरह। बोनलेस चिकन लिया है हमने, 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है हमने, इसको हम साइड में रखेंगे। और ये मैदा लिया है हमने, 3 टेबलस्पून भरकर मैदा लेंगे और 2 टेबलस्पून डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून भरकर हम डालेंगे। अब ये बचा हुआ डाल देते हैं, हमने पहले ही मेज़रमेंट कर रखा था। ये 1/2 टीस्पून जाएगा इसके अंदर नमक। अब इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम अंडा डालेंगे, ये हम एग वाइट लिया है, अगर आपके चिकन ज़्यादा हो तो फुल एग भी ले सकते हैं, पूरा अंडा। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, पानी आप थोड़ा सा मेज़रमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं, बहुत पतला घोल नहीं बनाना है, थोड़ा सा थिक घोल बनाना है। ये देख सकते हैं हमको 1/2 कप पानी लगा है इसके लिए, ये देखें छोटा वाला 1/2 कप, मतलब 40 से 50 ml के करीब पानी यूज़ किया है हमने। अब इसके अंदर हम डालेंगे तेल, तेल हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये घोल हमारा रेडी हो गया है, अब इसको हम डालेंगे चिकन के ऊपर। ये डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे साइड में। चिकन को हमारे आधा घंटा हो चुका है, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसे। अब इसको हम फ्राई करेंगे, तेल हमने पहले ही गर्म करने रख दिया है, अब इसको एक एक पीस उठाकर फ्राई करते जाएंगे और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्का सा गोल्डन कलर ना हो जाए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये 5 से 7 मिनट में चिकन हमारा फ्राई हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है, छोटे छोटे पीस है ना, देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे, अच्छा क्रिस्पी हो गया है, ये देख सकते हैं। ये सब हमारा बनकर रेडी है चिकन, अब हम इसके सॉस की तैयारी करते हैं। ये तेल डाल दिया हमने 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हम जिंजर लेंगे, 1 टेबलस्पून हम गार्लिक ले लेंगे। अब दोनों को हल्का सा सौते कर लेते हैं, हल्का सा उसको फ्राई कर लेंगे ताकि उसका कच्चापन चला जाए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है बस। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच, 1 टेबलस्पून भरकर शक्कर और 1 टेबलस्पून लिया है हमने शहद, अगर आपके पास ब्राउन शुगर हो तो वो भी डाल सकते हैं या सिर्फ शहद भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस, 1 टेबलस्पून भरकर ही हमने सोया सॉस लिया है। अब 1.5 टीस्पून लेंगे हम चिल्ली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून लेंगे हम केचप। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो चिल्ली फ्लेक्स आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर जाएगा ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस हमने 80 ml के करीब लिया है, 100 ml है तो आप 100 ml डाल सकते हैं, मेरे पास इतना ही था, 2 ऑरेंज का जूस जितना निकला था उतना मैंने डाल दिया था, आप पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर हमने 1/2 टेबलस्पून डाला है और पानी हमने 3 से 4 टेबलस्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा थिक लगता है ना तो आप ऑरेंज जूस या थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर सकते हैं 1 से 2 टेबलस्पून के करीब, मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था इससे 2 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो गया था ना। अब इसके अंदर हम डालेंगे विनीगर, 1 टेबलस्पून भरकर हम विनीगर डालेंगे ताकि थोड़ा सा खट्टा भी लगे, खट्टा मीठा तीखा, ये देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा हमारा ऑरेंज चिकन बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। अब इसको हम अच्छे से फैला देते हैं और इसके ऊपर हम डालेंगे तिल,
सीज़मे सीड, अगर आपके पास है तो डालें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये हो गया हमारा ऑरेंज चिकन रेडी, बहुत ही मज़ेदार सा। आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।